Okay, to rename or recolor a worksheet, there are two methods. First of all, right click on it, on the name of that worksheet, and then rename that sheet. अब यहाँ पे देखो जो नाम लिखा हुआ है sheet one, मुझे बदल देना है, मुझे bill नाम लिख देना है. I will write bill bill and then okay. ये देखो अब नाम बदल गया यहाँ पे. This is the first method. अगर आपको दूसरे तरीके से बदलना है नाम, जाओ फॉर्मेट मेनू में, शीट ऑप्शन में, और यहाँ पे रीनेम. तो मैं फिर से वो वाला नाम रख देता हूँ जो पहले था, तो शीट वन. ओके, सो देयर आर टू वेज टू रीनेम अ वर्कशीट. राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मेट मेनू में जाओ और शीट ऑप्शन के अंदर पहला ही ऑप्शन है रीनेम, यू कैन सिलेक्ट दैट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रीकलरिंग अ वर्कशीट. मतलब इसका जो शीट टाइप होता है उसको रीकलर करना, मतलब कलर करना है उसको. तो राइट क्लिक एंड टेप कलर, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेप कलर, क्लिक ऑन इट. सो यू हैव मल्टीपल कलर्स हियर, सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम. अभी यहाँ पे एक सिर्फ अंडरलाइन दिखेगी सीट वन के नीचे. ओके, बट व्हेनेवर यू विल चेंज द सीट यू विल सी द कलर. ओके, देखो यहाँ पे अब ब्लू कलर आ गया है. ओके, फिर से उस पर क्लिक करता तो सिर्फ अंडरलाइन दिखेगी यहाँ पे, दूसरे में जाओगे तब कलर दिखेगा. सेम थिंग यू कैन डू फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट शीट टेप कलर द लास्ट ऑप्शन. ओके, डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो वापस जो था वो वाला आ जाएगा. Otherwise, you may change the color, whatever color you want. Okay, but right now I'm selecting default, and then okay. So this option.